जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 3 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 3 में आज हम पाठ संख्या 6 आदमी का धर्म के प्रश्नों के उत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। अब तक हमने प्रश्न संख्या 6 तक के प्रश्नों के उत्तर को बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम प्रश्न संख्या 7, 8 और 9 के प्रश्नों के उत्तरों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न संख्या 7 है हमारी कि बालक और बाबा के बीच हुई मुख्य बातों को अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि बालक और बाबा, बाबा मतलब धनी आदमी, तो बालक और बाबा के बीच हुई मुख्य बातों को अपने शब्दों में लिखिए। हमें जो जो मुख्य बातें, सारी बातें नहीं लिखनी है, क्या लिखनी है, जो जो मेन बात है, मुख्य बात है, उसे क्या करना है, अपने शब्दों में लिखना है। तो उत्तर है हमारा बाबा। बाबा का अर्थ है धनी आदमी। तो बाबा ने बालक की जाति और धर्म के बारे में पूछा। बाबा ने क्या किया था, बालक के जाति और धर्म के बारे में पूछा था। क्यों पूछा था, क्योंकि बालक को धनी आदमी जानता नहीं था, बिना पहचान। बालक ने 5 रुपये मांगे थे, तो धनी आदमी ने सोचा कि मैं बिना जान पहचान के इस बालक को कैसे रुपए दे दूं, तो इसीलिए उसने उसका जाति पूछी, उसका धर्म पूछा और उसका नाम भी पूछा था। तो बाबा ने बालक की जाति और धर्म के बारे में पूछा, तो बालक ने मांगने वाले का कोई धर्म या जाति नहीं होने की बात कही। ठीक है बच्चों, बालक ने क्या किया था, बालक ने कहा कि मांगने वाले का धर्म या जाति नहीं होने की बात कही। अपने नाम भारत सिंह में से सिंह को अपनी जाति की पहचान बताकर राष्ट्र की पहचान, बालक ने क्या किया था कि बालक ने अपने नाम भारत सिंह में से सिंह को अपनी जाति की पहचान नहीं बताकर राष्ट्र की पहचान बताया। अब धनी आदमी को लगा कि जब बालक ने अपना नाम भारत सिंह बताया, तब धनी आदमी को लगा कि ये बालक क्षत्रिय हो सकता है, क्या हो सकता है, क्षत्रिय हो सकता है। तब बालक ने कहा कि नहीं, मेरा नाम भारत सिंह में से सिंह को अपनी जाति की पहचान नहीं बताकर राष्ट्र की पहचान बताया। किसकी पहचान बताया, राष्ट्र की पहचान बताया, तथा दया, सत्य, प्रेम और सेवा को मनुष्य का सच्चा धर्म बताया। अब बच्चों, मनुष्य का सच्चा धर्म क्या होता है, हमारे पाठ का नाम क्या है, आदमी का धर्म। तो आदमी का सच्चा धर्म क्या होता है बच्चों, मनुष्य, मनुष्य का अर्थ आदमी होता है। तो मनुष्य का सच्चा धर्म क्या होता है, दया, सत्य, प्रेम और सेवा ही मनुष्य का सच्चा धर्म होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म नहीं होते हैं। अगर जिस मनुष्य में दया, सत्य, प्रेम और सेवा होती है, तो वो ही उस मनुष्य का सच्चा धर्म होता है। ठीक है, फिर हमारा प्रश्न है 8, प्रश्न संख्या 8 है, धनी आदमी ने अंत में क्या कहा। तो उत्तर है हमारा कि धनी आदमी ने अंत में कहा कि तुम्हारी बातें सुनकर मेरा हृदय सहज प्रेम से भर गया है। अब ऐसा क्यों कहा धनी आदमी ने, क्योंकि बालक ने कहा था कि मेरे गुरुजी ने मुझे क्या कहा समझाया है, कर्तव्य पालन, दया, प्रेम, सत्य, ये सारी सारी ज्ञान की बातें मुझे सिखाई है ना, और मेरे आपके विश्वास की रक्षा करना ही मेरा धर्म है। तो धनी आदमी को बालक की बातें, ये सारी अच्छी बातें सुन के धनी आदमी का हृदय क्या हो गया था, सहज ही प्रेम से भर गया था। बालक की सुंदर सुंदर ज्ञान भरी बातें, छोटा सा था बालक मगर बातें बड़े अनुभवी बातें कर रहा था। तो इन बालक की सारी बातें सुन के धनी आदमी का हृदय सहज ही प्रेम से भर गया था। तो आज से तुम मेरे पुत्र के समान हो, किसने कहा, धनी आदमी ने बालक से कहा कि आज से तुम मेरे पुत्र के समान हो, तुम अपनी माँ का इलाज कराओ, मेरी सेवा की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। अब देखो बच्चों, धनी आदमी ने अंत में क्या कहा था, प्रश्न है हमारा। तो उत्तर है, धनी आदमी ने अंत में कहा कि तुम्हारी बातें सुनकर मेरा हृदय सहज प्रेम से भर गया है, आज से तुम मेरे पुत्र के समान हो, तुम अपनी माँ का इलाज कराओ, मेरी सेवा की ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। अब ऐसा बालक, ऐसा धनी आदमी ने क्यों कहा था, ऐसा क्या हो गया था
कि ऐसी बातें क्या कर दी थी बालक ने। तो बालक ने दया, सत्य, प्रेम, करुणा और कर्तव्य पालन, इसे ही मनुष्य का सच्चा धर्म बताया था और कहा था कि आपके विश्वास की रक्षा करना ही मेरा धर्म है। तो ये सारी अच्छी बातें सुन के धनी आदमी बालक से प्रसन्न हो गया और उसकी माताजी का इलाज कराने को भी तैयार हो गया और उस बालक को अपने पुत्र के समान मान के कहा कि अगर तुम्हें और किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो तुम मुझे बुला लेना। अब है प्रश्न संख्या 9, धन आदमी का धर्म पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। अब देखो बच्चों, हमने अच्छे से पाठ पढ़ लिया है, अब इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो इसका उत्तर लिखना है हमें। उत्तर है, इस पाठ से कर्तव्य पालन, प्रेम, दया, सेवा आदि नैतिक गुणों को अपनाने की शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है इस पाठ से बच्चों हमें, कि इस पाठ में कर्तव्य पालन, प्रेम, दया, सेवा आदि नैतिक गुणों को अपनाने की शिक्षा मिलती है, साथ ही गलत कामों से दूर रहने की शिक्षा मिलती है, है ना। अब बच्चे का कर्तव्य क्या था, उस बालक ने अपना कर्तव्य निभाया, उस बालक के पिताजी नहीं थे, है ना, उस बालक के क्या पिताजी नहीं थे, मगर फिर भी उसने अपना कर्तव्य निभाया और अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए पैसे मांगने निकल पड़ा। और उसमें प्रेम था, दया थी, सेवा थी, सेवा अपने माताजी के प्रति। तो ये सारे नैतिक गुणों को अपनाने की हमें शिक्षा मिलती है और साथ ही गलत कामों से दूर रहने की शिक्षा भी हमें मिलती है। बालक को उसके गुरुजी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई थी और उसी से खुश होकर धनी आदमी ने बालक को अपने पुत्र के समान माना था और कहा था कि तुम्हें अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, मेरी सेवा की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बुला लेना। अगर बालक निर्दयी होता, है ना, बालक चोर होता, ईमानदारी नहीं रखता तो उसकी कोई सहायता नहीं करता, मगर बालक स्वभाव से अच्छा था और बालक में बहुत अच्छी आदतें थी, तो इसलिए धनी आदमी ने उससे प्रसन्न होकर क्या किया, उस बालक की सहायता की। तो हमें भी बच्चों इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है कि कर्तव्य पालन, प्रेम, दया, सेवा आदि नैतिक गुणों को हमें अपनाने चाहिए और गलत कामों से हमेशा दूर रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण।